स्टार्ट हो गया। चलो याद है बेटा, यूपी स्पेशल के अंतर्गत आज जो है रिवर्स सिस्टम कल बता देंगे, पूरा डायरा बना करके मैप वगैरह लाएंगे। तो और चीज़ बता दें, देखो यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बताते हैं थोड़ी सी। वन नीति, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, कैसे देखो फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर एरिया में क्या डिफरेंस है, ये जानेंगे। तो देखो यूपी की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, यूपी की चलो सीरियस हो जाओ, पहली वन नीति, पहली वन नीति कब बनी बेटा, मीनाक्षी या देखो बंद करो बेटा, पहली वन नीति बताओ 1952 में। वैसे 1972 बताइए, इसमें जाता है वो वन्य प्राणी अधिनियम बताया था, वो सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बताया था, ठीक है। हाँ बोल रहे फर्स्ट पॉलिसी, और सेकंड पॉलिसी बनी द्वितीय वन नीति, सेकंड पॉलिसी 1988 में, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में और दूसरी वन नीति 1988 में बनी। और इस वन नीति के अनुसार ही मैंने बताया था किसी भी एरिया के 33.3% पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। इस पॉलिसी में था 1900 वनों का आवरण, इसमें पहली वाली 33.3% कंपलसरी नहीं था, फॉरेस्ट को नियमित करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए कहाँ कहाँ लगाए जाएँ, किस तरह से लगाए जाएँ, कैसे वृक्षों के लगाने पर जोर दिया जाए, साधारण सी बातें थी। लेकिन 33.3% वनों का आवरण कंपलसरी बनाया गया 1988 की नीति के अनुसार। देखो फॉरेस्ट कवर एरिया किससे देखा जाता है, सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है, कैसे देखा जाता है, सैटेलाइट के द्वारा कि किस एरिया पर कितना आवरण है। यहाँ टू दी पॉइंट क्वेश्चन ही बताएंगे तुम्हें फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बनावट वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है, सबसे ज़्यादा वनावरण, वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जिला ये याद रखें बेटा, सोनभद्र। और हाँ हाँ चंद्रदा नगर का हेड ऑफिस कहाँ है, हाँ संत रविदास नगर सबसे कम बनावट एरिया है और सबसे ज़्यादा अति सघन वन क्षेत्र, सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र, तीन पॉइंट है, सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र कहाँ है, लखीमपुर। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ रखें, सबसे ज़्यादा बनावट सोनभद्र, ठीक है,
वहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं। सबसे कम वाला संत रविदास नगर और सबसे अधिक अथ सघन वन क्षेत्र। वैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाते बेटा? जो तराई का मैदान है, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, यहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर ये जिला दी हो, क्षेत्र दी हो, तो बड़ा कन्फ्यूज मत होना कि सर ने तो जिला बताए थे। तो किस क्षेत्र पाए जाते हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, भाबर एंड तराई। शेषाद्री यहाँ देखो, भाबर तराई क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा। बेटा यहाँ देखो, उधर नहीं, भाबर तराई क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वनों से मतलब तो सुनते हुए वन देखे, भाबर क्या क्षेत्र होता है, वन और क्या नाम है, तराई क्या होता है बताओ? भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, और बांगर क्या होता है, और खादर क्या होता है? ये कल बात हमने बताई थी, बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है, ये चार जा। भाबर क्या होता है बताओ? भाबर तुम बताओ शेषाद्री, भाबर क्या होता है, भाबर क्या होता है बताओ? भाबर, बांगर नहीं पूछा, भाबर पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ, हाँ ऊपर जो नदियों के किनारे कंकरीले पथरीले एरिया, आपको कल बताए थे, भाबर कंकरीला पथरीला जो एरिया होता है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। और तराई, उस तराई के, उस भाबर क्षेत्र के नीचे जो कैसा होता है, दलदली एरिया, गीला एरिया, उसे क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, अब बांगर और खादर किसे कहते हैं? कौन सा नई प्राणी? देखो देखो, खादर है ना, ये नई एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ क्षेत्र है खादर। खादर क्या है? नई एल्यूवियल सॉइल से जाना, एल्यूवियल सॉइल के नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र खादर। आज भी गंगा की कटरी भरा जा तो कहते कहाँ है वो, खादर में, ऐसे कहते खादर में। और बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ मैदान बांगर। चार हुए इन्हें पाए जाते हैं भाबर तराई में, अतसगन सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी में, यूपी में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन। और बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान। इसे आ रखें अब देखो कुछ बताते हैं। अब चूंकि देखो यूपी में लगभग, सुनो पुत्री, लगभग हम कितने वृक्षों के नाम जानते हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इतने नामों का याद रखना बड़ा टेढ़ी खीर है। तारपीन का तेल तो सुना होगा, विरोजा का तेल सुना होगा। प्रश्न पूछा जाता है, तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, बीड़ी किससे बनाई जाती है, ठीक है, किसके पत्ते बनाई जाते हैं? ये छोटे छोटे, सुनो, ऐसे उद्योग जो छोटे छोटे स्तर पर लगाए जाते हैं वो कुटीर उद्योग होते हैं। अब चूंकि तुमने देखे नहीं, लेकिन वो पूछे जाते हैं। बैंत, बैंत का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? हाँ, तो अब आते हैं हम वो तारपीन और फिरोजा के तेल पर। इसे हटा दे बेटा, ये लिख लिया। अब यहाँ देखो, आपस में नहीं, ये चीज़ ऐसे हम पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते, बट यहाँ एक बार डिस्कस हो जाएगी, निश्चित तो भूलोगे नहीं। जिस तरह 10 अवतार में बताए थे, मकुवन वापरा, जैसे और एक दूसरे से एडजस्ट कर लिया करो। तो तारपीन का तेल, विरोजा एंड तारपीन, ऐसे लगता है कि तारपीन कोई चीज़ है, वहाँ से तेल निकालते हैं। जैसे मूंगफली का तेल मूंगफली से निकाला जाता है, सरसों का तेल सरसों से निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? तारपीन नहीं ये जो है चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्षों से। इसे तो पूछा जाता है, तारपीन के तेल की प्राप्ति किससे होती है? चीड़ के वृक्षों से।
ये पहाड़ी इस वृक्ष हैं, चीड़ की लकड़ी है ना, वो नमी घेड़ बहुत करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल के जो कुएं बने हुए हैं, ताजमहल की नींव कुएं पर आधारित है, उसके नीचे चीड़ के वो तख्त खड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें कुओं में चीड़ के डाले गए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पीठ डाली गई हैं, वो इसलिए कि वो चूँकि बगल से यमुना नदी निकलती है, उसको नमी प्राप्त होगी, और जितनी अधिक नमी प्राप्ति है वो लकड़ी उतनी ही दिनों तक ज़्यादा चलती है। आज भी अगर तुमने लाल किला देखा हो तो वहाँ पर सैती लगे हुए हैं चीड़ के ऊपर, चीड़ से ऊपर लगे हुए, चीड़ के लगे हुए वहाँ पर, ठीक है। तो तार पीने तेल की प्राप्ति चीड़ से। अब देखो कत्था, कत्था जानते कत्था, हाँ, तो कत्था कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, यही चीज़ पूछी जाती है UPPCS में, UPPCS पढ़ा रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ ही पढ़ाई जाती है। तो कत्था की प्राप्ति, कत्था की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये पेड़ होता है खैर वृक्ष से। कत्था की प्राप्ति कहाँ होती है बेटा, खैर वृक्ष से, कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से। और गेट तो तुम खुलवा दो बेटा, अब जो उसके प्लाई के गेट लगाए जाते हैं, प्लाई के, हाँ, उसे लकड़ी भरी होती है, ऐसे काट काट के रखते हैं, तो कौन सी लकड़ी होती है, नीम की, अशोक की, क्या होती नहीं होती, तो क्या होती, शीशम की होती है, नहीं ऐसे नहीं, उसे देखो एक समान आकार की कैसे बुरादाई भर दिया जाता है। तो प्लाईवुड का निर्माण किससे होता है, प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से होता है, काजू, पेड़ होता है वो, जमीन थोड़ी निकलते हैं, वही तो पेड़ पे ही लगते हैं वृक्ष ही, तो काजू की लकड़ी से प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। अब देखो बीड़ी वाला मैंने पहले बता दिया, बीड़ी का जो बंडल होता है उस पर साफ लिखा होता है, क्या लिखा होता है बताओ बेटा, बीड़ी का जो बंडल होता है उसमें क्या लिखा होता है, नहीं कंपनियां नहीं, उसमें एक ऐसी चिता में लिखी होती है जो व्यक्ति को मालूम होते भी उसको यूज करता है, धूमपान निषेध है। अब तो उसमें डायग्राम भी ना होता है, पीने से कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंद फिर भी होते हैं, उसका बाकायदा एरिया निर्धारित किया गया, इतने एरिया पर वो चित्र भी बना होना चाहिए, ठीक है। तो बीड़ी का निर्माण एक वृक्ष की पत्तियों से किया जाता है, ठीक है। कौन सा वृक्ष होता है बेटा, वो तेंदू, हाँ, वृक्ष की पत्तियों से। ये पूछूंगा कल, ध्यान रखना, कल ये चीज पूछूंगा तभी लगे ही, ध्यान रखे, ये तो पढ़ लोगे गारंटी, कुछ कुछ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बीड़ी का निर्माण किससे होता है, तेंदू वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है, बीड़ी का निर्माण तेंदू वृक्ष की लकड़ी से। देखो और कागज बनाने में सबसे ज्यादा क्या होता है, कागज बनाने में कागज का निर्माण, देखो कागज के निर्माण में सबसे ज्यादा बैत एवं बांस का उपयोग किया जाता है, बैत एवं बांस का उपयोग किया जाता है कागज निर्माण में, कागज उद्योग में सबसे ज्यादा बैत, ठीक है, ये याद रखना, बैत और उसका। अभी मैंने बताया था कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं यूपी में लगभग, लेकिन हमें 1000 नहीं मालूम होंगे धारा में, ठीक है। दिया सलाई, ये एक बार आ गए थे, पॉपुलर, सेमल एंड गुरेल के वृक्षों से किया जाता है, गुरेल के वृक्षों से दिया सलाई का निर्माण कर रहे, जो इतनी सॉफ्ट तीली और किसी से बनाना संभव नहीं हो पाती, वो अली बताएंगे वाला आ गया था, वहाँ तक आ गया आतंकवादी, अभी काम तो ये बता रहे हैं निर्माण किससे किया जाता है, आतंकवादी वृक्ष तो यूकेलिप्टस होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ,
हाँ दिया सलाई, हाँ दिया सलाई नहीं आते, माचिस, पॉपुलर, सेमल, गुरेल, पॉपुलर की तो बोलते हैं सफेदा लोकल लैंग्वेज में। हाँ तो कैसे कैसे बोले, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है ना। जब ऐसे वृक्ष काटे जाने लगे तो इसका सबसे पहले जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा ऐसे अगर वृक्ष काटते जाएंगे तो वृक्ष की संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। कब किया? वनों को राष्ट्रीय संपत्ति, उत्तर प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय संपत्ति कब घोषित किया गया? 1935 में, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। और ये वाला हटा दूँ, और वन महोत्सव का आयोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, बताओ बेटा कब से शुरू हुआ वन महोत्सव? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है प्रतिवर्ष, उसका आरंभ हुआ था वन महोत्सव। वन महोत्सव का आयोजन आरंभ कब हुआ? 1952 में वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या होता है बेटा? नाम तो सुन लिया वन महोत्सव, बताओ। 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 7 जुलाई के बीच, ठीक है, वनों को निगाने के लिए बाकायदे अभियान चलता है, ठीक है, इसलिए वन महोत्सव मनाया जाता है। में स्टार्ट किया गया था प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, प्रतिवर्ष 1952 में क्या हुआ, स्टार्ट किया गया था। और वन महोत्सव का जो मूल आधार है मूल आधार इसका है वृक्ष का अर्थ मूल आधार, वन महोत्सव का मूल आधार वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है, ये इसका मूल आधार है। इसका वन महोत्सव का वृक्ष का इसका ही वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी, और रोटी क्या है, रोटी ही जीवन है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? वन अनुसंधान शाला, वन अनुसंधान शाला कहाँ है? देहरादून। और देहरादून कहाँ है? वेरी गुड। इकोलॉजिकल टेररिस्ट इसे कहा जाता है, यूकेलिप्टस पेड़ होता है, लंबा सा जाता है। दशहरा जब छोटे थे तब इसका अभियान चला गया था। जैसे सुनो, ये वृक्ष हमारे यहाँ का नहीं है, कहाँ का वृक्ष है? अरे बाहर तो है, कहाँ का वृक्ष है? ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, ठीक है। और ख़ास बात ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इसमें नुकसान क्या करता है, ये वाटर को बहुत रिचार्ज करता है, यानी जहाँ जहाँ ये वृक्ष होगा वहाँ वाटर लेवल एटवरी डाउन नीचा होता जाता है, और जब वाटर लेवल नीचा हो जाएगा तो खेती करना आसान नहीं रहेगा, समझे। इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है, क्या जाता है? पारिस्थितिक
इकोलॉजिकल टेररिस्ट आतंकवाद यूकेलिप्टस को आया था, इसलिए अब इसके लगाने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि वृक्ष जो जहाँ मोटे हुए ये लगाए गए थे नहरों के किनारे, नदियों के किनारे और सड़कों के किनारे, अब धीरे धीरे ये काटे जा रहे हैं। वनों को लगाने के लिए बाकायदा हर साल एक ऑप्शन अभियान चलाया जाता है। उस अभियान की शुरुआत 2007 और 8 में किस नाम से हुई थी? ऑपरेशन ग्रीन नाम से हुई थी। इसमें ऑप्शन ग्रीन क्या होता है? ठीक, ऑप्शन ग्रीन क्या है? ध्यान रखना, वनों को लगाने से, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से संबंधित, वनों के विस्तार से संबंधित है। ऑप्शन ग्रीन किससे संबंधित है? ये वनों के विस्तार से संबंधित है, मत ध्यान रखना, वनों के विस्तार से संबंधित है। जो कब शुरू हुआ था? 2007 और 8 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, धारणा किसने? यूपी गवर्नमेंट का, ये धारणा इंडिया का नहीं है, यूपी गवर्नमेंट का है। ऑपरेशन ग्रीन किसी पॉलिसी है? यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑपरेशन ग्रीन। देखो खेल का सामान कहाँ मनाया जाता बेटा? मेरे बताने जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कागज यूपी में कहाँ मनाया जाता है ये जानना जरूरी है। देखो वेस्ट में एक ऐसा ज़िला है जो मात्र एक ही स्टेट को टच करता है, बताओ, कल ही बताया तुमने। उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला जिसकी सीमा रेखा बोले कि दूसरे प्रदेश से सबसे कम है, बताओ। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश से सबसे मिनिमम बाउंड्री लाइन है उसकी, कल बताई थी मैंने सहारनपुर। तो वो किसके लिए फेमस है? पेपर प्रोडक्शन के लिए। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? सहारनपुर पेपर प्रोडक्शन। सहारनपुर, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं है, सबसे कम बाउंड्री लाइन किसकी है? सहारनपुर की। किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से, कल बताया था उन्होंने, जो पेपर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बीड़ी चीड़ी मिट्टी के खिलौने ये तो जानते होंगे, मिर्ज़ापुर में, झांसी में, आगरा में नहीं, बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ? मिर्ज़ापुर एंड झांसी, यहाँ के यही याद कर लिया था, बात नहीं ताकि दिमाग भाई फीड है जाए। बीड़ बनेगी नहीं, पेड़ों से टपकती है क्या? पेड़ों से पत्तियाँ आती है बेटा, उसे बाकायदे बनाते हैं लोग, बड़ी तेज़ी से बनाते हैं बनाने वाले, ठीक है बेटा। ये बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ थी जो मैंने इम्पोर्टेंट जो आई परीक्षा में, वो मैंने तो बता दी, बताने का भी काफ़ी कुछ है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच जाता है, ऐसे वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक मनाया जाता है 1 अक्टूबर से। बताओ कब मनाता है वन्य प्राणी सुरक्षा? 1 अक्टूबर से लेकर के प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है बताओ? वो तो जानते हो, अभी हाल ही घोषित किया गया। बिल्कुल सही जवाब, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है क्या है? उसको स्थानीय भाषा नाम है, नाम नहीं, उसको जो है SU स्थानीय नाम है उसका, डॉल्फिन का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, उसका लोकल नेम है।
नेशन एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, ये इसका लोकल नेम है, ये क्या है लोकल नेम, इसलिए इसके शिकार पर रोक लगा दी गई है। रेड डाटा बुक होती बेटा, एक ऐसी बुक होती है रेड डाटा बुक, इसमें किसका उल्लेख होता है, सही है नहीं, नहीं वो सही है, संकटापन या विलुप्त प्राणी, माने ऐसे प्राणी जीव, ऐसे जीव सुनो, ऐसे जीव जो जिनका अस्तित्व खतरे में है उनको लाल पन्नों में लिखा जाता है, तो क्या कहेंगे संकटापन एंड विलुप्त। जीवों का उल्लेख होता है इसमें रेड डाटा बुक, ठीक है, इससे क्या इसमें उल्लेख होने से सरकार सजग हो जाती है और उन प्राणियों के संरक्षण के लिए पुनर्वास प्रारंभ कर देती है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो पता कर लो, ठीक है। मैंने वन्य जीव बिहार बताए थे तुम्हें, वैसे बार एक बार बताए थे, सबसे पुराना वन्य जीव बिहार कौन सा है, सेंचुरी, ओल्डेस्ट सेंचुरी कौन सी बताओ, यूपी की बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बिल्कुल सही जवाब चंद प्रभा सेंचुरी, ओल्डेस्ट सेंचुरी है, लिख लो सुंदर से लिख लो, चंद्रवा सेंचुरी के वन्य जीव बिहार क्या सबसे ज़्यादा पुरानी है, और ये यूपी की ही नहीं पूरे देश की सबसे पुरानी सेंचुरी है जो यूपी में, चंद प्रभा सेंचुरी, चंद प्रभा वन्य जीव बिहार, इंग्लिश में सेंचुरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उसमें सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाता, क्या चलाता, टाइगर प्रोजेक्ट चलाता, वो लोग 490 स्क्वायर एरिया में, और इसको 1977 में उसको क्या किया गया है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है, चंद्रप्रभा वो सॉरी दुधवा जैसे पार्क को 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। स्थापित कब हुआ था ये 68, हाँ बिल्कुल सही जवाब, 1967 में स्थापित हुआ था और जो है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। एग्रीकल्चर के बारे में कल मैंने बता दिया था, ठीक है। पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बेटा बताओ, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान का प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कल बताया था मैंने, पान देखो मत बहुत अच्छा था, पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र था, तुमने एकदम बोला था बनारस, निम्न का बनारस नहीं है, महोबा भूल जाते हैं, पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है एकदम भूल गए, कल ये सब पूछूंगा कौन कौन से, बीड़ी वाला काम, कागज वाला काम, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप बताऊँ मैं तुम्हें, पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, यूपी के कुछ पावर प्रोजेक्ट बताता हूँ, उन्हें याद करने का तरीका साथ से बताऊँगा, चूँकि जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ यूपी, देखो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो तुम्हें यहाँ का यहीं याद हो जाए, अरे सुन तो लो अभी कहा है, नरोरा वाला थर्मल पावर नहीं बेटा समझ लिया करो, नरोरा प्रोजेक्ट कौन सा है बताओ,
मैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, बताओ कौन सा है? एटम पावर प्रोजेक्ट बोलेंगे, ठीक है, थर्मल पावर नहीं। थर्मल पावर कौन से होते हैं जिनके लिए कोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ यूपी, वो देश का ही है पुराना। अरे देश का तो यूपी का ही हो जाएगा बेटा, वो सेंचुरी नहीं बताई हुई मैंने, वो बर्ड सेंचुरी अलग चीज़ है बेटा, वो सेंचुरी अलग चीज़ है, बर्ड सेंचुरी अलग है, बर्ड सेंचुरी में पढ़ा चुका ना तुम्हें, हाँ बर्ड सेंचुरी अलग चीज़ है बेटा। चंद्रप्रभा ये 1968 में स्थापित हुआ था और 1977 में जैसे किया गया और इसको टाइगर प्रोजेक्ट जैसे भी दिया गया चंद्रप्रभा में, ठीक। अब हम बताते थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC द्वारा, उत्तर प्रदेश ताप विद्युत निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश ताप विद्युत संयंत्र, क्या बोलेंगे, ताप विद्युत संयंत्र। देखो नंबर एक ऊंचा हार टांडा, ऊंचा हार टांडा सिंगरौली, ऊंचा हार टांडा रेहंद सिंगरौली दादरी, ठीक है, ऊंचा हार टांडा रेहंद अभी बता रहा हूँ दादरी, सिंगरौली नाम याद कर लो, अभी बता रहा हूँ, और दादरी ठीक है, ऊंचा हार टांडा रेहंद सिंगरौली दादरी, इस क्रम में लिखने का मेरा अलग उद्देश्य, ठीक है, ताकि तुम्हें एक झटके में याद आ जाए। ऊंचा हार टांडा रेहंद सिंगरौली और दादरी, ऊंचा हार कहाँ है, देखो ये ऊंचा हार मुझे बेलनौर में बैठा, ये तो रायबरेली कहाँ है, टांडा कहाँ है, अम्बेडकर नगर, रेहंद सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र, दादरी कहाँ है, दादरी गौतम बुद्ध नगर पड़ती है, कानपुर नहीं, वो वाली दादरी है, गौतम बुद्ध रास्ते में नहीं बोलेंगे, इनको याद कैसे रखें, ऊंचा हार टांडा ये पांच जो है ताप विद्युत संयंत्र, इसको बंद करो बेटा, ये जो है पांच जो है ताप विद्युत संयंत्र है, इनको याद कैसे रखेंगे, उटारी सीधा, ऊंचा हार टांडा रेहंद सिंगरौली और दादरी, ठीक है, दादरी तो आई रास्ते में वो जीवी नगर में, और रेहंद सिंगरौली सोनभद्र टांडा अम्बेडकर ऊंचा हार, ऊंचा हार एक्सप्रेस जाती है, ऊंचा हार एक्सप्रेस रायबरेली के लिए, तो ये रायबरेली ऐसा रखें, उटारी सीधा पांच जो है ये ताप विद्युत संयंत्र है जिनमें क्या है कोयले के उपयोग से विद्युत का निर्माण किया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म बता दी मैंने, नहीं समझे, ये ऊंचा हार टांडा रेहंद सिंगरौली दादरी, ऊंचा हार उंटारी सीधा कहते भूल जाओ कहाँ पर है, ऊंचा हार ऊंचा इस पर जाती है रायबरेली टांडा अम्बेडकर रेहंद सिंगरौली, ये दोनों सोनभद्र में नीचे जो उधर, और दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है इसे याद रखें, ऊंचाई ये है उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र। अब बताऊँ उत्तर प्रदेश के ये
राज्य उत्पादन निगम कौन कौन से, विद्युत संयंत्र कौन कौन से? ये तो नेशनल एनटीपीसी के, ये किसके बेटा? ये एनटीपीसी के, उत्तर प्रदेश में संयंत्र कहलाएंगे एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और यूपी गवर्नमेंट कौन कौन से? यूपी गवर्नमेंट के भी पांच हैं, अनपरा, ओबरा, हरद्वागंज, देखा होगा। यूपी गवर्नमेंट कौन कौन से? अनपरा, ओबरा और बेटा ये एनटीपीसी के, ये राज्य ताप विद्युत निगम के, समझे? पनकी और परीक्षा अभी बता रहा हूँ दोनों मंत्र बेटा, देखो सुनो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, और ये राज्य ताप विद्युत उत्पादन निगम, समझे, स्टेट थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, कौन से? अनपरा, ओवरा, हरद्वागंज, पनकी। पनकी कहाँ है? कानपुर में। हरद्वागंज कहाँ है? और परीक्षा कहाँ है? परीक्षा अच्छा झांसी में, कहाँ है ये? झांसी। पनकी कहाँ है? कानपुर में। हरद्वागंज कहाँ है? देखा होगा शायद। अनपरा ओबरा कहाँ है ये दोनों? तो ये बात देख रहे हो, तो सोनभद्र में दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और दो दो स्टेट गवर्नमेंट के। तुम अभी नहीं समझ रही बेटा, ये वाले सेंटर भी यूपी में ही हैं, ये वाले सेंटर भी यूपी में ही हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इनका निगम अलग है, इनका निगम अलग है। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, ये राज्य ताप विद्युत संयंत्र के, स्टेट थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, यूपी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब सुनो, ये कह रहे हैं कैसे भी याद कर लो, ठीक है, आओ है पप्पा, याद कर लो, ठीक है, आओ है पप्पा, ठीक है, अनपरा, ओबरा, हरद्वागंज, पनकी और झांसी। कभी अगर जाओ तो पनकी रास्ते में दिखाई देता है, ठीक है, ये फिर जहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल सी आती है, पनकी कानपुर में, परीक्षा झांसी में। तो ये पांच एनटीपीसी के, पांच स्टेट गवर्नमेंट के याद रखेंगे। जैसे ओबरा ताप संयंत्र है, ओबरा वाला, ये बेटा रूस रसिया के सहयोग से बना था 1967 में। किसे सहयोग से बनाया गया था ये ओबरा? रूस से इसमें ओबरा ताप विद्युत संयंत्र को बनाने में 1967 में रसिया ने सहयोग किया था, और अनपरा के लिए भेल ने सहयोग किया था। भेल, इसकी पेरेंटी भेल, भेल क्या चीज़ है? हाँ, उसके सहयोग से अनपरा बना था, ठीक है, ओबरा। दरअसल नीचे सोनभद्र है, तो देखो सोनभद्र जिले की कुछ ऐसी संरचना है, वहाँ पर क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी दो सेंटर के दो स्टेट है। खास बात है सोनभद्र की, परीक्षा, परीक्षा लिख दो, परीक्षा कर दो, ठीक है। यहाँ ये वाली छा नहीं है, ये वाली छा है, ठीक है, अलग हो जाए। तो ये रहे स्टेट इवेंट के,
अब ये आप पूछा था हिंडालको, हिंडालको एल्युमिनियम संयंत्र है हिंडालको का, कहाँ पर वो रेणुकूट में, रेणुकूट का है हिंडालको एल्युमिनियम संयंत्र है। एल्युमिनियम संयंत्र है इसके लिए विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है, विद्युत की आपूर्ति रेहंद बांध से होती है, कहाँ से होती है रेहंद बांध, और रेहंद बांध कहाँ है ये भी सोनभद्र में है। रेणुकूट में क्या है हिंडालको का एल्युमिनियम प्रोजेक्ट है, कहाँ से रेहंद, रेहंद अरे रेहंद प्रयोजना, रेहंद बांध बना हुआ है कहाँ है सोनभद्र में, रेहंद प्रयोजना से होती है इसकी। बोला भाई कोई भी संयंत्र लगाया जाएगा तो उसके लिए वो चाहिए पावर चाहिए, तो पावर सप्लाई कहाँ से होती है रेहंद परियोजना से ही, हिंडालको जो एल्युमिनियम संयंत्र है उसकी अप्लाई की जाती है। और यूपी का एकमात्र एटम पावर प्लांट कहाँ है, सही जवाब, इसके लिए आप पूरे दस में से दस में मिलेंगे, दिखा भी होगा, यूपी का एकमात्र एटम पावर संयंत्र है नरोरा। अच्छा ये था नरोरा किस जिले में पड़ता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, भूल कर गई मत कहना अलीगढ़ में, नरोरा जो बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है अब कुछ मैं इसकी मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट बताता हूँ, ये तो प्रोजेक्ट समझ आएगा बेटा, ठीक है आ है, और ये वाला उटारी सीधा, पांच उटारी सीधा रखें पांच सिया रखें, पनकी कहाँ पर है कानपुर, परीक्षा झांसी, अनपरा ओवरा सोनभद्र, हरदोई तो जानते ही, इसमें ऊंचा हर एक्सप्रेस जाती है रायबरेली के लिए, टांडा मिडकनर ये दोनों सोनभद्र और दादरी जी बी नगर में, याद रखेंगे कहाँ पर चाहिए ये जाते हैं। अब मैं बताता हूँ तुम्हें मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना करता था, पहले बताओ मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट क्या होते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यूपी में बहुत है उनमें से कुछ बताऊंगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो जो हरिद्वार से अपर गंगा कैनाल बनाई है, अपर गंगा कैनाल निकाली है, उसमें जगह जगह कई जगह ये परियोजना लगाई है, वहाँ बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए गए छोटे छोटे, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट की। बहुउद्देशी मतलब क्या है, देखो बहुउद्देशी मतलब ये परियोजना बताई जाती है उनके तीन उद्देश्य होते हैं, पहला उद्देश्य क्या होता है पावर सप्लाई बिजली का उत्पादन, ठीक है पहला उद्देश्य क्या होता है बिजली का उत्पादन, दूसरा उद्देश्य क्या होता है चूंकि वहाँ बांध बनाया जाता है और जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसके बाद नहरें वगैरह निकाली जाती हैं, तो दूसरा उद्देश्य सिंचाई का उद्देश्य होता है, ठीक है ये दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और तीसरे उद्देश्य में तो अब जो है वाटर सप्लाई रोक करके या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है यमुना का जहाँ सारा पानी जो दिल्ली पी जाती है, और यमुना ना हो तो दिल्ली पिया जाए, तो सबसे पहले बताते हैं माता टीला परियोजना, कौन सी परियोजना माता टीला परियोजना बताओ किस नदी पर, बेटा ये पूछे माता टीला प्रोजेक्ट माँ बिल्कुल सही जवाब, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, किस नदी पर बेतवा नदी पर, माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर है, किस जिले में पड़ता है बेटा ये कहाँ से निकलती है कहाँ जाके मिलती है,
ठीक है, ये तो मतलब ज्योग्राफी का सवाल हो गया, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा, मैं सब यूपी तक घुसने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो झांसी के नीचे ज़िला लटका हुआ है, बताओ जल्दी, यूपी में झांसी के नीचे ज़िला है, ललितपुर, सही जवाब, ठीक है ना, तो हाँ हाँ लिख रहा हूँ बेटा, ललितपुर, ऐसे याद रखो, बस यही पूछा जाता है, हिमाचल परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है, ललितपुर में, माता टीला प्रोजेक्ट। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, देखो ये कहाँ है, ये पिपरी, पिपरी कहाँ बेटा, सोनभद्र, किस नदी पर बेटा, ये रेहंद नदी पर, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पिपरी, ठीक है, वहाँ पर है। अब एक प्रोजेक्ट और है, राजघाट बांध परियोजना, देखो मैं केवल वो परियोजना लिख रहा हूँ जो तुम्हारी परीक्षा में पूछी गई है अब तक, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत हैं केवल वही लिख पाऊँगा, ठीक, जो परीक्षा की दसवीं में इम्पोर्टेंस रहा हूँ उन्हें लिखा रहा हूँ, ठीक, राजघाट बांध परियोजना, बताओ ये कहाँ है, बिल्कुल गलत जवाब, देखो ये परियोजना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये परियोजना भी बेतवा नदी पर है और ये यूपी एंड एमपी की संयुक्त परियोजना है, राजघाट बांध परियोजना यूपी एंड एमपी की संयुक्त परियोजना है, जो कहाँ है, ये परियोजना भी ललितपुर जिले में है, ये प्लानिंग क्या है, ये भी ललितपुर जिले में, ये क्या है, ललितपुर, ललितपुर नर्रापा जो है मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट नहीं है पुत्र, अरे ये दूसरी बेतवा, वहाँ दूसरा घाट है, या वो अलग है कि राजघाट का, ये राजघाट थोड़ी ना इंडिया में, हाँ बेतवा किन प्रोजेक्ट है, मिलाने वाला प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, बेतवा किन संयुक्त परियोजना, वो मिल कहाँ पाई है, वो अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, एमपी में ये पूर्ण हो गई है, नर्मदा छिप्रा प्रोजेक्ट, नर्मदा को छिप्रा, छिप्रा ऐसी नदी थी एमपी में जहाँ से क्या हो गया कभी, छिप्रा ऐसी नदी जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, छिप्रा ऐसी नदी थी पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी, तुम बात करते छिप्रा, और हमारे देश में कितने जगह कुंभ का मेला लगता है, चार जगह, कौन कौन से, अरे अपने यहाँ चला करो, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, जब हरिद्वार और प्रयाग कैसे, ये दोनों गंगा नदी के तट पर है, यहाँ महाकुंभ लगता है, यही दो स्थान ऐसे हैं जहाँ अर्धकुंभ लगता है, ठीक है ना, और नासिक और उज्जैन यहाँ पर केवल महाकुंभ लगता है, बड़ा कुंभ लगता है, तो नासिक क्या है, गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन कहाँ है, छिप्रा नदी के किनारे, वो कहाँ है, एमपी में, अब चूंकि छिप्रा नदी के किनारे है, जब महाकुंभ लगेगा तो नदी में जल तो होना चाहिए, और नदी अपने सोर्स स्थल से ही सूख गई बिल्कुल, जहाँ से नदी निकलती थी वो जगह ही सूख गई, वो स्थान भी मैंने देखा जहाँ से वो नदी निकल रही है ऑन स्पॉट जा कर के, समझे, जब मैं इंदौर गया मेरा बड़ा उत्सुकता हुई, चूँकि इसका स्टूडेंट होने के कारण कहाँ से, बोले यहीं से निकली पास में छिप्रा नदी, उसके स्थल गई, वो इंदौर के पास ही जगह है उज्जैन, यहीं नहीं, इंदौर के पास ही जगह है जिसका नाम है उज्जैन नहीं, ये गाँव है उज्जैन, उज्जैनी, इंदौर के पास एक गांव है, वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से जो है छिप्रा नदी निकलती है, ठीक है, लेकिन उस जहाँ से उद्गम स्थल है वहाँ से भी सूख गई थी, तो उसके लिए क्या गया, नर्मदा नदी, दक्षिण भारत की नर्मदा नदी, जैसे यूपी में पूजा होती है गंगा की, वैसी नर्मदा, उसका जल भी खराब नहीं होता है, स्टोर किया जाता, ठीक है, तो नर्मदा से लेकर छिप्रा लिंक प्रोजेक्ट आ गया, नर्मदा छिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया है, इसकी बड़ी बड़ी पाइपलाइन के द्वारा नर्मदा को छिप्रा से बुला गया, और उसी पॉइंट पर जहाँ से छिप्रा नदी निकलती है वहीं पर जाके छोड़ा गया उसको, तो वहाँ से पानी निकलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो अच्छा एक स्थल बना दिया गया, वहाँ से निकलता है और पानी चलता है, तो यहीं पर आ जाओ, राजघाट बांध परियोजना कहाँ है,
बेतवा नदी की। अगला आता है गंडक परियोजना। गंडक, गंडक परियोजना कहाँ है बेटा? बेटा यूपी एंड नेपाल की गंडक नदी पर है ये। गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक नदी पे है और यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, यूपी के बिजनौर जिले में है। रामगंगा प्रोजेक्ट कहाँ है? बिजनौर जिले में, जहाँ पर एक जनजाति पाई जाती माही गीर, पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, यूपी के बिजनौर जिले में। और रेहंद प्रोजेक्ट तो मैंने बता दिया, नहीं बताया समझ लो, रेहंद कहाँ है? रेहंद उसी में सोनभद्र जिले में रेहंद नदी पर, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, कई कई जगह रेहंद लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं लिखा। रेहंद प्रोजेक्ट कहाँ? रेहंद है, रेहंद परियोजना कहाँ है? सोनभद्र जिले में। किस नदी पर है रेहंद? रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। ये शारदा जल विद्युत परियोजना, ये बहुत मोटे है, शारदा प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैंने बताया था कहाँ ये। देखो इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये यूपी एंड नेपाल की सीमा पर एक जगह, कल मैंने बताया था बनवासा, कौन सी होते हैं बनवासा नाम स्थान से, और यहीं से यूपी की बिगेस्ट कैनाल निकाली जाती है शारदा नहर, कल मैंने बताया था नहीं बताया। इस तो शारदा जल विद्युत परियोजना, देखो यहाँ से बिजली का पैदावार की जाती है, पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, सिंचाई की परियोजना की जाती है, ठीक है, और नहर निकाल दी गई है शारदा नहर, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा प्रोजेक्ट ये याद रखना, कौन सा बनवासा स्थान जरूर याद रखना, बनवासा कई बार पूछा गया है, शारदा प्रोजेक्ट कहाँ पर? बनवासा। देखो सोनभद्र में ये कन्हार बांध है, कन्हार नदी पर है सोनभद्र, तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं, कन्हार बांध, कन्हार बांध सोनभद्र में किस नदी पर है? कन्हार नदी पर है, वहीं पर एक नदी है छोटी सी कन्हार नदी। तो रेहंद प्रोजेक्ट हो गया सोनभद्र में, ये कन्हार प्रोजेक्ट हो गया, और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो रेहंद उसी नदी पर है। तो ये मैंने कुछ बर्निंग पॉइंट्स बताए तुम्हें इससे संबंधित, अब थोड़े जो है मिनरल्स बता दूँ जो इतना टाइम भी है। देखो कई कई जो है लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश जो है कांच बालू के उत्पादन में नंबर वन है, बट ये गलत धारणा, ठीक है, कांच बालू यानी सिल्का सैंड, जिस बालू से कांच का निर्माण किया जाता है, पुरानी पुस्तक लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का कांच बालू के उत्पादन प्रथम स्थान है, कांच बालू के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है, इसका जो स्टोर है भंडारण बहुत ज़्यादा 10 लाख टन के लगभग है, कांच बालू के काफ़ी उत्पादन होता है, बट उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो कांच बालू कहाँ मिलती है? कांच के सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं यूपी में? कांची चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? फिरोजाबाद कांची चूड़ियाँ बनती हैं, बट वहाँ कांच बालू नहीं मिलती है, हाँ, जिससे कांच का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना मत भूलना, ठीक है। ये जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलती है इलाहाबाद ज़िले में और कुछ नदियों की बालू में, वो अब मैं मिनरल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ये हटा दूँ, कुछ मिनरल्स बताता हूँ। देखो यूपी में सोना कहाँ मिलता है, हीरा कहाँ मिलता है बेटा? अब तुम ये जरूर पूछा कहाँ मिलता है, लेकिन ये बहुतायत में नहीं मिलते हमारे यहाँ, ठीक है, मन जो वहीं चले जाओ खुदला, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं ये चीज़, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? आपने स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन, राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई, राज्य खनिज निगम
स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन की स्थापना, समझ बेटा, ये डेट है 23 मार्च 1974। इस नियम की स्थापना करके खनिजों के उत्पादन पर बल दिया गया। राज्य खनिज निगम नियम की स्थापना, राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974। सोना कहाँ मिलता है बेटा? सबसे सोने चीज बात करें, हाँ देखो, सबसे पहले सोना ही बात करें, सोना सबसे कहाँ मिलता है? देखो शारदा रामगंगा नदी है, इसकी बालू में सोने के कण पाए हैं, ठीक है, इसी नदी में पाए हैं, इसलिए बड़ा मेहनत आया निकालना। शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में जो है पाए, ध्यान रखना, शारदा रामगंगा और तांबा, तांबा जो भी रखना, हाँ कौन पर काम मिलता है? बिल्कुल सही जवाब, ललितपुर में। तांबा ललितपुर जिले में। और ये चीज़ और मिलती है, ध्यान रखिए, अभी हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई है, ये क्वेश्चन आया था तभी, यूरेनियम, हाँ यूरेनियम भी ललितपुर। यूरेनियम कैसी धातु है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्या? जी बोलो, रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम के भंडार होने चाहिए, जहाँ यूरेनियम भंडार होंगे तो एटम पावर ज़्यादा होगी, ले भारत में थोरियम से भी बिजली उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया में थोरियम से ही, तो भारत में थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम के भंडार हमारे यहाँ न के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा भंडार यूरेनियम का कहाँ है? कनाडा में। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? कनाडा में। अरे सुनो तो, दो प्रश्न बनते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ है? कनाडा में। वर्ल्ड में यूरेनियम का प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। दोनों सवाल समझो, समझो ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, याद रखना, दोनों में अंतर आ जाता है। ये यहाँ बताने चीज़ नहीं थी, बट जो है समझ में। सेल खड़ी, सेल खड़ी हमीरपुर एंड झांसी जिले में। सेल खड़ी नहीं जानते बेटा? देखी होगी बेटा, सेल देखी तुमने? सेल खड़ी चौक जैसे लगते हैं, कुछ वैसी चमकीली सी होती है, चौक चमकीली सी जैसी होती है, नहीं हाँ चमकीली होती है वो, ऐसे घिसती चौक आराम से टूट जाता है, बट सेल खड़ी टूटती नहीं, मजबूत सी होती, थोड़ी वो थोड़ी चमकीली होती है। सेल खड़ी का उत्पादन यहाँ होता है सर? नहीं नहीं संघ मिर्जापुर में। और देखो सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन ही सोनभद्र में होता है, कटाई की जाती है सबसे ज़्यादा, कटाई छटाई से कहाँ की जाती है? आगरा में संगमरमर से निर्मित उत्पादन, ठीक है, ये ध्यान रखो, थोड़ा प्रश्न में थोड़ा अंतर समझा करो। रॉक फॉस्फेट ललितपुर, अभी तो आए सवाल का जवाब देंगे, रॉक फॉस्फेट अभी कांच बालू नहीं आई, कांचपुर भी कहाँ, ये भी ललितपुर में, कहाँ ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए बता, यूज कहाँ होता है? देखो रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा ललितपुर में पाया जाता है, और रॉक फॉस्फेट का यूज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे कहाँ होता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसी सवाल होना चाहिए। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उपयोग चूना पत्थर, ये भी सोनभद्र,
चूना पत्थर, अमे सिलका, कांच बालू जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कांच बालू ये मैं बता रहा था। इलाहाबाद, अब लिखिएगा और है चित्रकूट, देखो इसमें लालापुर यहाँ जगह है, बरगढ़। देखो जो कांच बालू होती है ना सुलगा है, लालापुर लिखा हुआ है, लालापुर भी कहते होंगे। देखो कांच जब बालू होती है उसमें क्या होता है, देखो उसमें बेटा इसका जो कंस्टिट्यूएंट क्या चीज़ होते हैं केमिकल नेम में, सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस Fe2O3, ठीक है, ये कांच बालू होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड और आयरन Fe2O3 SiO ऑक्साइड, ऐसे 98% तो ये होती है SiO2। कांच बालू में ये चीज़ ना सिलिकॉन ऑक्साइड कितनी होती है, ये 98% होती है। इसका यूज क्या होता है फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। कांच बालू और इसमें इसके अलावा इलाहाबाद में जो है वो कौन नैनी है, वहाँ भी कांच बालू होता है, ठीक है। कांच बालू से क्या होता है, कांच का निर्माण होता है, सिलिका सैंड कहते हैं, सिलिका सैंड इसका होता है कांच का निर्माण होता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 सिलिकम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड Fe2O3। इसमें फेरस ऑक्साइड तो कम मात्रा होता है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगभग 98% होता है। इसका उपयोग कांच उद्योग किया जाता है, कांच का निर्माण किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट का सबसे यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, उर्वरकों को बनाने में, ठीक है, कहाँ होता है उर्वरकों को बनाने में। थोड़ा टाइम और रहेगा उसको देख लेंगे हमसे, ठीक है। तो कांच बनाने वाली बालू कहाँ कहाँ मिलती है, ज़्यादातर गंगा और यमुना की बालू में मिल रही है, कहाँ मिल रही है, गंगा यमुना की बालू में, बाकायदा इसके ठेके दिए जाते हैं बेटा, ठीक है, तभी घटना होती है। कहाँ गंगा यमुना की बालू मिलते हैं, ठेके दिए जाते हैं, जिस तरह चंबल सेंड दिए जाते हैं उस तरह गंगा यमुना की बालू के लिए, सिलिका सेंड के लिए, जो सिलिका सेंड जो है वहाँ से ट्रकों में भर करके फिरोजाबाद आती है, ठीक है, और वो मिट्टी जैसी लगती है देख रहे हैं, लेकिन उसी सिलिका से जो है कांच के जितने भी आइटम्स से बनाए जाते हैं फिरोजाबाद, ग्लास हब है फिरोजाबाद, तो इसे क्या कहते हैं सुहाग नगरी भी बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं सुहाग नगरी, ग्लास हब फिरोजाबाद में। कोयला इम्पोर्टेंट है क्या, कोयला सबसे ज़्यादा पड़ जाता, कोक कोल कहाँ पड़ जाता सबसे ज़्यादा बताओ, मैंने भी बताया सोनभद्र, क्यों भूल जाते बेटा, सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, और सिंगरौली तो है ही, वो जिस जिला पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो है इस कोयले से ही जो बिजली उत्पन्न की जाती है, कौन सी बिजली होती है, ताप विद्युत, क्या बोलते हैं ताप विद्युत। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का इस्तेमाल करता है, उससे कम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत का, और सबसे कम एटम पावर का इस्तेमाल करता है, नहीं और उससे भी कम जो है ये पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा ये भी तो बोलते हैं, हाँ ये जो है अल्टरनेटिव जो वो हैं सोर्स ऑफ एनर्जी उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ज्वार भाटा नहीं, ज्वार एनर्जी गलती अलग होती है, वो टफ एंड टाइट होते हैं, हाँ बनती है वहाँ पर, उसे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो ये रहे। एक और याद रखो सैंड स्टोन मिर्जापुर, सैंड स्टोन
हाँ सैंडस्टोन मिर्जापुर, सैंडस्टोन मिर्जापुर, अब जो मैं बताना चाहता था तुम्हें, नहीं हीरा बता दिया मैंने, अरे हीरा नहीं भाई, हीरा भी नजपुर में ही है, हीरा में सुना, हीरा बता दिया, हीरा ही मिर्जापुर में, हाँ बांदा डायमंड हीरा, हीरा जो बांदा जिले में पाया जाता है, बांदा और ललितपुर। लेकिन अब तो कटाई छटाई रह गई है, अब तो सोने का उत्पादन भी कोलार से नहीं हो रहा, अब तो KGF आज से 20 साल पहले ही कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया है, जो जगह है ना कोलार खान, भारत में सबसे बड़ी काई खान है वो, गोल्ड की फील्ड है ये। लेकिन आज से 20 साल पहले ही वो कोलार गोल्ड फील्ड KGF बंद कर दिया गया है। जब वो शुरू हुई थी ना, वहाँ के भवन आज ऐसे ही बने हुए हैं, उस समय जो वहाँ के पास में करना वो है क्या नाम है, बंगलौर सिटी है, एक समय ऐसा था जब बंगलौर में लाइट नहीं थी, लेकिन कोलार के गांव में लाइट थी, जानते हैं कोलार के गांव गाँव थी, जो वो समृद्ध एरिया था, सोने का उत्पादन होता था वहाँ, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश के क्लब, हॉस्टल्स और वैसे सब चीज़ बनी हुई थी, समझे। और लेकिन अब वो वहाँ के लोग सारे जो पहले सभी बिजी रहते थे, सबको रोज़ा मिला हुआ था, सारे के सारे बेरोजगार हो चुके हैं, अब वो ट्रेन के माध्यम से बेंगलोर जाते हैं, अप डाउन करते हैं, जानते। तो KGF उसी पर तो फिल्म बनी है, KGF, हाँ KGF उसी फिल्म बनी है। तो ये चीज़ जितने मेरे से जो अब तक आते हैं वो मैंने तुम बताया बेटा, गलीचा का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा, गलीचा का निर्माण कारपेट, आगरा में अभी, भदोही में, मिर्जापुर में। अतका भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, यूपी का, सॉरी यूपी का, कई बार पूछा, हथकरघा, ये कई बार पूछा गया है, बिगेस्ट इंडस्ट्री और यूपी, यूपी का बृहत्तम, देव बृहत्तम, इंग्लिश थोड़ा लिखना चाहो तो तुमने लिखने दे दिए, ये कई बार पूछा गया बेटा, ध्यान रखिए, लड़के गलती वस्त्र उद्योग फलाना उद्योग टिक लगा जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हथकरघा, हथकरघा उद्योग यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है, यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है बेटा, यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा तो नोएडा नहीं है, कानपुर है, हथकरघा एक सबसे बड़ा नहीं, एक जो है प्रमुख उद्योग नगर है, नगर कानपुर, कानपुर में दो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, चमड़े की और कॉटन की, दो काम कौन से होते हैं, एक तो लेदर का काम होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा कॉटन का काम होता है, इसलिए कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर क्या है बेटा, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर कौन है बेटा, और सूती वस्त्र राजधानी कौन सी है, बम्बई, हाँ सूती वस्त्र, सूती वस्त्र राजधानी कॉटन इंडस्ट्री की कैपिटल बोलते हैं, ये नाम है ठीक है भारत की, तो याद रखेंगे। अच्छा था, कल मैंने बताया था शुगर के प्रोडक्शन में यूपी का नंबर वन है, पहला स्थान है, और चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, देखो इससे 3-4% बन जाते हैं शुगर के, शुगर का ही, देखो गन्ना उत्पादन में यानी शुगर को प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है, यूपी का,
सुन लो ठीक है। गन्ने से निर्मित चीनी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? यूपी का। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न सुनो, अरे पहले सुन लो, पांच प्रश्न बनाएंगे। गन्ने से निर्मित चीनी उत्पादन में पहला स्थान यूपी का, चीनी उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का। चीनी शुगर उत्पादन क्या पहला स्थान? शुगर प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश। और दूसरा और पांचवा सवाल बनेगा वो, चुकंदर से निर्मित चीनी का उत्पादन पहला स्थान, वो भी आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, ऑल ओवर वन नहीं, नहीं एमपी नहीं बताया था, आंध्र प्रदेश ही बताता, गलत लिखा होगा। केवल चीनी उत्पादन पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है, चूँकि आंध्र प्रदेश में चुकंदर से भी और गन्ने से भी चीनी बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में गन्ने से ही बनाई जाती है चीनी, नहीं महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश कहाँ कह रहे हम गलत कह रहे, महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादन पहला स्थान, चीनी उत्पादन में प्रथम कौन है? महाराष्ट्र बता रहे थे, आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। और गन्ना में, गन्ना उत्पादन में यूपी है। महाराष्ट्र में क्या है वो जो है चुकंदर से निर्मित चीनी के उत्पादन में, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है कहीं, हाँ नहीं 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 वो हो गया, आंध्र प्रदेश कहीं नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो कहीं चक्कर में नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र रखें, ठीक है। तो चीनी उत्पादन दो ही स्टेट वैल्यू रखते हैं, यूपी और महाराष्ट्र। कभी कभी क्या होता है यूपी का ही पहला स्थान आ जाता है, ठीक है, हाँ, तो यूपी में महाराष्ट्र टक्कर सी रहती है चीनी उत्पादन हर साल। तो इसको थोड़ा करंटली और देख लिया करना उस वर्ष में, अब ये पूछा था इस वर्ष में चीनी उत्पादन प्रथम स्थान किसका रहा, तो करंटली और देख लिया करना, ठीक है। तो हमें हाँ कुछ जल्दी पूछो कुछ, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चुकंदर से गन्ने से दोनों से बनाई जाती है चीनी, महाराष्ट्र में चुकंदर से और गन्ने से दोनों चीनी बनाई जाती है। चुकंदर आयरन का भी एक अच्छा स्रोत है, आयरन का भी स्रोत है, अच्छा खाती हो, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा। अच्छा आज मैं मुलाकात यहीं रखें, आज कल कोशिश करेंगे हम जो मैप लेके आए, ठीक है, और मैप से हम जो है ये रिवर बताएंगे, आज मैंने रिवर इसलिए नहीं बताई, रिवर के डायरा बना पड़ेगा, तो रिवर सिस्टम बताऊंगा, और रिवर सिस्टम पूरा गंगा वैली से लेकर के देखा जाना, अगर तुमने गंगा का रिवर सिस्टम सीख लिया तो आधा इंडिया का आधा रिवर सिस्टम सीख लिया तुमने, ठीक है, गंगा का रिवर सिस्टम सीख लिया तो, ठीक है बेटा।